अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ वकार यूनस। नाज़रीन, आज हम डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज तांदलियांवाला कैंपस में मौजूद हैं और आज यहाँ पर 14 अगस्त और आज़ादी पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करने के लिए तकारीब का इनेकाद किया गया है। और इस हवाले से आज मेरे साथ इस कैंपस की हेड मिस्ट्रेस मिसेस यास्मीन काशिफ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैम सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आज 14 अगस्त है और 77वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है, इस हवाले से इस स्कूल में भी तकारीब का जो इनेकाद किया गया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं बच्चों से? सर आज हमने 14 अगस्त के हवाले से हमने आज जो तकारीर करवाई, इसमें हमने आगाज़ किया था कुरान पाक की तलावत से, उसके बाद हमने तलावत के बाद नात अरेंज किया, उसके बाद था बच्चों ने मुख्तलिफ जो हमारी शख्सियात थी, जो पहली पर्सनैलिटी थी कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, उन सब की जो पर्सनैलिटीज उनको हमने छोटे छोटे बच्चों के थ्रू हमने उनको रिप्रेजेंट किया ताकि बच्चे इससे अवेयरनेस मिले कि इन्होंने हमारे लिए क्या काम किया था। उसके बाद उर्दू स्पीच भी थी, इंग्लिश स्पीच भी थी और तीन हमारे मिली नगमे थे और एक स्किट था, और बच्चों ने बड़े जोश खरोश से उसमें पार्टिसिपेट किया है। और बच्चों की एक्टिविटी आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया है, ये उनकी जाती कावश और प्लस हमारे स्टाफ का इसमें उसमें पूरी कोशिश थी जिससे उन्होंने तैयार किया बच्चों को। ठीक है मैम, मुझे बताइएगा इस तरह की तकरीब का इनकाद करने का मेन मकसद क्या होता है? सर इस तरह की तकारीब जो है वो इसलिए हम मुनक्कद करते हैं, और डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज तांदलियांवाला हमेशा से ये रवायात बरकरार रखे हुए है ताकि बच्चों को स्टडी के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ भी करने का मौका मिले, वो ज़िंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ें, इसलिए ये तमाम एक्टिविटीज़ हम हमेशा से करवा रहे हैं और ऐसे चलती ही रहती हैं। तो इसका मकसद ये था 14 अगस्त का जो फंक्शन करवाया ताकि बच्चों को हम बता सकें पाकिस्तान की उनके लिए क्या अहमियत है और उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तान की क्या अहमियत है, पाकिस्तान के लिए उनको क्या कुछ करना है और पाकिस्तान उनके लिए क्या अहमियत रखता है, उसकी अहमियत उजागर करवाई बच्चों को। ठीक है मैम, आपको क्या लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का बच्चों की शख्सियत पर क्या असर पड़ता है? जी सर बहुत असर पड़ता है, बच्चों को पता चलता है, पहले तो उनको अपनी हिस्ट्री का पता चलता है कि हमारे बैक में क्या था, इन्होंने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की थी वो कौन थे, उसके बाद फिर जो आगे है बच्चों को अपने मुल्क से लगाव पता चलता है, हमारा मुल्क में क्या क्या चीज़ें किस किस जगह हो रही, हर जगह ये फंक्शन हो रहे हैं, जब बच्चे अपने फंक्शन को देखते हैं तो पिछले फंक्शन को भी देखते हैं, जिसकी वजह से उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। आज़ादी के हवाले से बच्चों में अवेयरनेस आती है कि हमने आज़ादी किस तरह से हासिल की थी और हमने इसको किस तरह से बरकरार रखना है। जी बिल्कुल मैम, मुझे ये चीज़ बताइएगा कि आज मैंने जो एक पर्सनल एक चीज़ नोट की है कि डिविजनल पब्लिक स्कूल तांदलियांवाला कैंपस में जो वहाँ तकारीब का इनेकाद किया गया, वहाँ साथ साथ खेलों को भी उजागर किया जा रहा है, खेलों को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसके पीछे क्या वजह है? सर DPS तांदलियांवाला हमेशा से इन चीज़ों को, मैंने पहले भी कहा ना, बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ हम स्टडी पे बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ हम चाहते हैं कि बच्चे हर मैदान में आगे हैं, तो चूंकि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो आज़ादी के हवाले से हमने फुटबॉल मैच का इनेकाद किया ताकि बच्चों को पता चले कि स्टडी के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। हमारा मेन जो मकसद है बच्चों को स्टडी पे उनका फोकस करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक्टिविटीज़ बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए इसका इनेकाद किया गया था। ठीक है मैम, मुझे बताइएगा कि आजकल जो है ना पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग जो है ना वो नेगेटिविटी जहन में लिए हुए हैं और वो कहते हैं कि इस तरह की जो तकारीब होती हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे बहुत खुशी से अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो यकीनन उनके माइंड में कोई नेगेटिविटी तो नहीं होती,
वो पॉजिटिव माइंड के साथ चलते हैं तो इन चीज़ों को देखते हैं कि ये गलत है कि असर पड़ता है। ठीक है, हर मुल्क में क्राइसिस होते हैं, तो अगर यहाँ हैं तो इन बच्चों को हम अवेयरनेस देते हैं कि हमने इन क्राइसिस से कैसे निकलना है, और इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे भी। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। ये नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए तो इन जो हम ये तकारीब हैं उनका इनकार करते हैं, बच्चों को पता चले कि हमारे वतन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है मैम, इस मुल्क के लिए ये बच्चे आगे जाकर कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें, इस हवाले से आप बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं? सर, हम बच्चों की उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को वतन से लगाओ, और उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को नेगेटिविटी से बचाने के लिए जो हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे काम हैं उनके अवेयरनेस देते हैं। उसमें सबसे पहले है स्टडी, कि बच्चों को स्टडी की तरफ लाते हैं। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे स्टडी में आगे निकलेंगे तो ज़ाहिर है वो उनको पता चलेगा ये हमने किसने दिया, हमारे मुल्क ने। किसी भी मुकाम पर पहुँचेंगे तो उनको पता होगा कि ये मुकाम जो है मुझे मेरे मुल्क की वजह से मिला है। किसी भी मुल्क में भी वो जाएगा तो उसकी पहचान क्या होगी, पाकिस्तानी की हैसियत। इसलिए के ये पर बहुत ही पॉजिटिव उनका असर होगा कि पाकिस्तान जो है कर रहा है, तालीम यहाँ से हासिल करेंगे। अगर वो कहीं भी जाएंगे तो होंगे, इससे बड़ा क्या हम दे सकते हैं। बच्चों को चीज की अवेयरनेस है कि पाकिस्तान से जो वो हासिल कर सकते हैं वो कहीं और से नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल मैम, लास्ट पर देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? हम लास्ट में मैं देखने वालों से कहूंगी कि डीपीएस एंड सी तांदल्यावाला विजिट करें, आके देखें। यहाँ बच्चों की स्टडी के साथ साथ जो बाकी एक्टिविटीज हम करवा रहे हैं वो आके देखें। कहीं भी आप लोगों को लगता है कि कहीं कमी वहाँ पे बढ़ें, क्योंकि आप लोगों के तावन से हमने स्टडी में भी बच्चों को आगे लेकर जाना है, हमने बाकी तमाम एक्टिविटीज में लेकर जाना है। क्योंकि यहाँ के लोगों को ये अवेयरनेस देनी जरूरी है, यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको पॉलिश करना टीचर्स